हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोई ज़ीशान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। और ये देखें जी, आज हम करने लगे हैं किचन की डीप क्लीनिंग। मैंने सारे बर्तन रैक से उतार के मैंने बाहर रख दिए हैं और ये मैं करने लगी हूँ पानी गर्म। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये सारा ऑयल ये चिपका हुआ है। ये मैंने किया तो था, साफ कब किया था मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले किया था। इतनी देर बाद ही करती हूँ मैं तो। ये ना सब ये ऑयल जमा हो गए नीचे, तो मैं करती रहती हूँ। ये तो हर दूसरे तीसरे महीने भी करोगे फिर भी शेल्फ ऐसे गंदी हो जाती है। तो अभी मैंने कहा चले आज हम ना डीप क्लीनिंग करते हैं। डीप क्लीनिंग के लिए अब ना हमने ना क्या करना है, हमने ना गर्म पानी का, ये इतना मुश्किल है ना ये उतरना। आप इसको जिस मर्जी साबुन से उतारें, जिस मर्जी उससे करेंगे, ये नहीं उतरेगा। ठीक है ना, इसका जो एक वो मैंने हल निकाला हुआ, आप गरम पानी करें, एक ले लें स्टील वूल, बस गरम पानी करना। अब ये देखिए मैं भर के ना, ये देखे तो ये मैं पानी करने लगी हूँ गरम। जब तक मैं ये रैक और ये बर्तन वगैरह धोऊंगी उतनी देर में ये पानी हो जाएगा गरम। तो फिर हम यहाँ डाल के पानी, तो हम ये सारा शेल्फ साफ करेंगे। तो चले पहले मैं बर्तन धो लूँ। ये जी स्टील वॉल है, ठीक है ना, सबको पता ही होता है, इसका सबके घरों में ये होती है। तो इससे आज हम ये साफ कर रहे हैं। और ये देखे जी, चलो जी इसको अच्छे से साफ करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल नया निकला है। और ये ना इसके पाउ खराब हो गए हैं। बस हमारे पाकिस्तान में चीज़ें कहाँ अच्छी मिलती हैं। ये जी उन्होंने स्टील का कह के दिया बैठी है, स्टील का। आप मुझे बताएं कि स्टील की चीज़ को कभी जंग लगता है? तो इसको अच्छे से सारे को साफ करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया, मांज लिया। अब ये साथ साथ पानी भी हमारे से करते रहेंगे, नहीं तो नीचे बहुत गंद पड़ जाएगा। मैंने कल खड़ दी ये, मैंने साफ तो बहुत किया लेकिन ये अब इससे ज़्यादा साफ नहीं हो रहा। ये चेंज होने वाला हुआ जब हम इस घर में आए थे ना, शिफ्ट हुए थे तब हम नया ले के आए थे। तो लेकिन अभी तक ना ये सही, कितने साल हुए हो गए हम इस घर में आए थे? तीसरा साल है ना। ये देखते हैं 3 सालों में इसका ये हाल हो, ठीक है ना। तो चले जी इसको साफ करके ना मैं आपको और दिखाती हूँ। अभी मैं इसका ज़रा सोप वगैरह उतारूँगी, जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ से और साफ हो सकता है वो साफ करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये जी स्टैंड हमने साफ कर लिया और काफ़ी हद तक ये साफ हो गया, चमक रहा, बंदा चलते हैं। और ये गर्म पानी आप देख सकते हैं, मैंने गर्म पानी कर लिया। अब हम इस दीवार के ऊपर ना गर्म पानी डालेंगे। इस तरह से आपने गरम पानी डालते जाना है। सारी दीवार देखिएगा भी साफ हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी यूज कीजिएगा, बड़े एहतियात से कीजिएगा। इधर तो है भी नहीं, यहाँ इतना सा हिस्सा ही हो। और ये देखिए नीचे पानी आया है ना शेल्फ के ऊपर, तो ये सारी जो मैल कुचैल थी ये सारी सॉफ्ट हो गई। अब इससे हम सिर्फ हल्का सा स्टील वुल मारेंगे तो ये साफ हो जाएगा। ये देखिए पंखा चला दो, पंखा की बनती है, पंखे के बगैर ये काम नहीं हो सकता। मैं तो भाई किचन में पंखा चला के रखती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेते हैं ऐसे, ये देखते हैं आप स्टील वुल कैसा करता है। पानी मिक्स किया है लेकिन पानी अभी भी बहुत गर्म है। चले जी इसको अच्छे से साफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके रिजल्ट्स के, कितनी अच्छे से ये साफ हुआ है। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे इस पे जो स्टील वुल लग रहा है ना, कि आपको साफ होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये जी स्टील वुल जो है वो हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया है। वो देखें ज़रा, वो ऑयल से भर गया है।
अब मैंने स्टील वुल ने दम तोड़ दिया, जो आप देख रहे हैं। अब मैंने कहा था चले हम ना इसके साथ साफ करते, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफी साफ हो गई है दीवार। काम कर रही हूँ, काफी साफ हो गई है। अब बाकी के जो हम है ना ये स्कॉच ब्राइट के साथ साफ कर लेंगे, स्कॉच ब्राइट भी बहुत बहुत अच्छा है। ये जो सारी शेल्फ हमारी साफ हो गई है, काफी हद तक ये साफ हो गई है, ठीक है। अब हम इसको वाइपर लगाते हैं और एक बार देखते हैं कि कहीं रह तो नहीं गया कुछ। अच्छा मैं तो भाई डेली डेली बहुत ज्यादा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि आप थक जाते हैं, आपने और काम भी करने होते हैं, तो आप सारा दिन एक ही काम पे लगा देंगे तो आप और काम फिर कैसे करेंगे। और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, सुशांत ही मेरे हेल्पर है। जो भी काम करते हैं मेरे साथ सुशांत ही करते हैं, और मेरा कोई हेल्पर नहीं है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, एक बार फिर भी हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको सारा सामान बर्तन फर्तन चूल्हा वगैरह हर चीज़ सेट करके दिखाती हूँ। ये जी किचन की डीप क्लीनिंग हो गई है, बर्तन छर्तन मैंने लगा लिए हैं, नीचे से भी सारा साफ कर दिया है। अभी किसी दिन हम ये रैक जोन से ना मेरे दिन में एक आइडिया है, हम इसको यूज़ करेंगे किसी और चीज़ के लिए। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।